दोस्तों अगर 17-41% की रिटर्न लेनी है तो किस फंड में इन्वेस्टमेंट करें? सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अपने अलग अलग स्कीम को कवर किए हैं म्यूचुअल फंड की। आपका लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, मल्टी कैप हो, अपना बहुत सारी स्कीम्स को कवर किए हैं आज तक, लेकिन एक जो स्कीम जो छूट गई थी या समझ लीजिए अभी तक उसको अपने कवर नहीं किए हैं, वो स्कीम का नाम एक बार आप भी सोच के देखिए कि वो क्या हो सकती है। दोस्तों उस स्कीम का नाम है वैल्यू फंड। दोस्तों ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम साहब ने इन्वेंट की थी, और वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन करती है अपने फंड में जो इन्वेस्ट करता है उसके लिए। और आज के युग में उस स्टोरी को, उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं वॉरेन बफेट साहब। उनका भी पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, किस ढंग से वो अपनी चीजों को स्टडी करते हैं और फिर उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जो स्टॉक का आज के दिन मार्केट वैल्यू और उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो उसके अंदर बहुत बड़ा मिसमैच रहता है ना, वो वाले स्टॉक ही इसमें क्वालिफाई करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी सही में अपना वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट अभी उसको वो वैल्यू दे नहीं रहा है। हो सकता है डाउन द लाइन 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में होगा तो उस टाइम में देंगे, लेकिन तब तक वो जो प्राइस जो एप्रिसिएशन हो जाती है तो अपने को उसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल पाता है। जिस फंड की अपने बात कर रहे हैं, इसका जो फंड मैनेजर है वो जो स्टॉक जिनका पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू है, आपका कैश फ्लो है, बहुत सारी चीजें रहती है, अल्फा है, बीटा है, ये सब जितनी भी चीजें हैं उन सब का वो जब कोरिलेट करते हैं मार्केट प्राइस के साथ में, और उसकी जो अभी अंडर वैल्यू चल रहा है उसी को देख के फंड मैनेजर उस स्टॉक को सिलेक्ट करता है और अपने पोर्टफोलियो में एड करता है। इस फंड के अंदर जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोड बहुत अच्छी है उस बिजनेस की, लेकिन अभी अपने को अंडर वैल्यू डिप्रेस्ड प्राइसेस में मिल रहा है, उसके अंदर जो है अपने स्टॉक पिकिंग करते हैं जिससे लॉन्ग रन में बहुत जबरदस्त रिटर्न अपने को मिले। दोस्तों अपने जो वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आप लोग कमेंट देते हैं, लेकिन मैं और कमेंट की उम्मीद करता हूं जिससे मुझे भी पता चले कि वीडियो कैसा बना है, आप लोगों का आगे फ्यूचर में क्या डिमांड्स है उसके अंदर और क्या अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो गूगल बाबा को जरूर बताइएगा और लाइक करके, और बहुत अच्छा लगा हो तो आपके सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर और अदर ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों इस कैटेगरी में कई सारे फंड इंडस्ट्री में हैं, लेकिन एक फंड जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है और सारे फंड को भी और अपने बेंचमार्क को भी, उस फंड का नाम अगर आप जानेंगे तो सोचेंगे अरे ये वाला फंड तो आपने पहले इन्वेस्ट किए ही नहीं। दोस्तों उस फंड का नाम है IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। हर फंड की जान होती है उसका फंड मैनेजर, और ये जो फंड है वो मैनेज करते हैं मिस्टर अनुप भास्कर और डेलियन पिंटो साहब, दोनों की जो टीम है वो जबरदस्त है। उन लोग का फंड का जो सिलेक्शन है, स्टॉक का सिलेक्शन है, वो इतना गजब का है कि उसके मैं आपको और आगे उसका एग्जांपल दूंगा किस टाइम में उन्होंने कैसे कैसे स्टॉक पिक किए और आज के दिन उनकी क्या जबरदस्त रिटर्न पोर्टफोलियो में आई है। दोस्तों ये फंड जो है बेस्ट इन कैटेगरी है। अब आपको उसकी रिटर्न्स बताता हूँ कि किस किस ढंग से उन्होंने हर पीरियड के अंदर कैसे आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। दोस्तों रिटर्न आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे, इन वन ईयर कैटेगरी इस फंड ने आपका रिटर्न दिया है 41%, वेयर एज बेंचमार्क रिटर्न इज ओनली 27%। 3 ईयर कैटेगरी में इस फंड ने रिटर्न दिया है 21%, वेयर एज 16% ओनली बाय द बेंचमार्क। एंड इन 5 ईयर कैटेगरी द
गिवन 17% रिटर्न और आपका बेंचमार्क रिटर्न इज ओनली 11%। दिस फंड इज वेरी ओल्ड फंड, स्टार्टेड ऑन 7th March 2008। उस टाइम से सिंस इंसेप्शन इनकी एवरेज CAGR रिटर्न इज 17%, वेयर एज बेंचमार्क इन रिटर्न इज ओनली 13%। इससे आप समझ सकते हैं कि फंड कितना कंसिस्टेंटली 17-41% का रिटर्न दे रहा है। इससे आप लॉन्ग टर्म में और भी अच्छी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अभी फंड का AUM ओनली 4,500 करोड़ रुपीज है, तो एक मीडियम कैटेगरी का फंड है, बहुत बड़ा भी नहीं है तो एकदम छोटा सा भी नहीं है, जिससे भी फंड मैनेजर को अच्छा बल मिलता है। जिन लोगों ने फंड के अंदर मार्च 2008 में 10,000 रुपया लगाया था, आज के दिन उसकी वैल्यू आफ्टर 14 ईयर्स 90,000 है। यानी जिसने भी 1,00,000 रुपया लगाया था, समझ लीजिए, तो आज के दिन उसकी वैल्यू 9,00,000 रुपीज है। तो एक 9 times रिटर्न इन 14 ईयर्स, अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त रिटर्न ये फंड दे रहा है। इस फंड की और एक खास बात है, इसका जो चर्निंग जो है, चर्निंग टर्नओवर जो है ना, वो बहुत ही कम है। ओनली 41% का चर्निंग रेशियो है, वेयर इसका जो बेंचमार्क चर्निंग एवरेज है वो 130% का है। इससे समझ सकते हैं कि फंड मैनेजर जो है बाय एंड होल्ड कैटेगरी में विश्वास रखता है, और चूंकि चर्निंग कम है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और ओवरऑल रिटर्न गजब की मिलती है। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अपना जो फंड मैनेजर अनुप भास्कर साहब लोगों ने कैसे कई क्वालिटी स्टॉक्स आपको डिप्रेस्ड प्राइस में खरीदा था, उसके मैं आपको 4-5 एग्जांपल दूंगा। उसमें सबसे पहला स्टॉक आता है, वो है जिंदल स्टील एंड पावर। अपने को अराउंड 100 के आसपास मिल रहा था तब इन लोगों ने पिकअप किया था, और आज के दिन उसकी प्राइस जो है 550 रुपया के ऊपर चल रही है। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। जब कोविड पीरियड में होटल इंडस्ट्री बहुत भयंकर खराब परफॉर्म कर रही थी, उस टाइम में ये स्टॉक डबल डिजिट में आ गया था, लेस देन 100 रुपीज हो गया था, तब इन लोगों ने उस स्टॉक में एंट्री ली थी और आज के दिन उसका वैल्यू 250 रुपया से ऊपर है। तीसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। ये वाला स्टॉक जब केमिकल इंडस्ट्री का अभी आपने देखा था डाउन ट्रेंड आया था, तब बहुत ही डिप्रेस प्राइस में इन्होंने खरीदा, जिसका आज के दिन वैल्यू 2300 रुपए से ऊपर एक शेयर का दाम चल रहा है। चौथा स्टॉक है ऑटो इंडस्ट्री का मिंदा इंडस्ट्री। जब इन लोगों ने एकदम ही ऑटो इंडस्ट्री खराब परफॉर्म कर रही थी, उस टाइम में इन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डाला था, आज के दिन 1000 प्लस के ऊपर इस स्टॉक का दाम चल रहा है। और एक आपको सरप्राइजिंग स्टॉक का नाम बोलता हूँ, वो है CG पावर। जो स्टॉक अपने क्रॉम्पटन ग्रुप से डीमर्जर हुआ था, ये जो स्टॉक अपने थापड़ जी के मिसमैनेजमेंट की वजह से नीचे में 5 रुपया बिक गया था, आज के दिन 200 रुपया प्लस के अंदर चल रहा है। इन्होंने बहुत अर्ली उसको डिटेक्ट किया था कि वैल्यू तो है ही उस कंपनी के अंदर, मिसमैनेजमेंट हुआ था इसलिए इतना वैल्यू डाउन हो गया था, फिर उन लोगों ने उस कंडीशन में इसको खरीदा था और आज के दिन बल्ले बल्ले हो रही है। पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है आपका, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारा मिला के। इसके अंदर चूंकि अपना कैपिंग का कोई बिजनेस नहीं है, तो जिसकी भी वैल्यू इनको नजर आती है, होते स्मॉल कैप में, होते मिड कैप में, हो लार्ज कैप में, इसमें ये लोग स्विचिंग कर लेते हैं। और अभी आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो 55 स्क्रिप्ट का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। और एक सबसे मजे की बात क्या है कि जो टॉप 10 होल्डिंग जो है उसमें सिर्फ 31% पैसा इन्वेस्टमेंट है। इससे भी एक चीज क्या है कि फंड मैनेजर जो है बहुत तकड़ा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, जिससे कि अपने को डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड रहे और अपने को एक बहुत सुंदर रिटर्न भी दे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन इन्वेस्टमेंट आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर आप SIP भी कर सकते हैं, जो कि एज लो एज 100 रुपया, ओनली 100 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं, और लमसम करना हो तो एज लो एज ओनली 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन अपने को ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों अवेलेबल है।
दोस्तों लॉन्ग टर्म का अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि अपना फंड कंपाउंडिंग हो पाता है, नहीं तो क्या होता है छोटे छोटे रुपए आ जाते हैं और आपको ग्रोथ अपने उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। दोस्तों अगर बड़ा फंड लमसम के रूप में लगाना हो तो कभी भी एक साथ में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा एसटीपी का यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाती है और फंड जो है लिक्विड फंड में पार्क किया हुआ रहता है तो आगे जाके उसका अपने को धीरे धीरे मार्केट में देखिए अप एंड डाउन आ रहे ही है, लगे ही रहते हैं, तो उसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों वैसे तो अपने सभी जानते हैं कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 ईयर रखना ही चाहिए, उससे क्या है कि अपने को सारी साइकिल का बेनिफिट मिलता है। हो सकता है आपने जब एंट्री लिए तब वो ऊपर का टाटा हो तो उसमें क्या होता है कि अगर घटता है तो उस टाइम में लगता है यार इतनी एनएवी माइनस हो गई, या क्योंकि वापस रिकवर होने में थोड़ा तो समय देना पड़ता है, इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू रखने से अपने को उस चीज की पेन महसूस नहीं होती है, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टर्म अपने को रिटर्न अच्छी मिलनी ही है। और अब तो जो चीज सिनेरियो लग रहा है कि डाउन द लाइन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी तकड़ी है और इतनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने के बाद भी अवर ग्रोथ स्टोरी कहीं भी आप देख लीजिए, इंटरनेशनल वाले भी जो है ना इस चीज को एडमिट करते हैं कि हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। अभी भी उन लोगों ने उसको घटाने के बाद भी उन लोग का जो टारगेट है वो 8.2% का जीडीपी ग्रोथ का है। दोस्तों ये एक ऐसा फंड है जिसमें डाउन साइडेड बहुत हद तक प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं सबके अंदर वैल्यू है, जिसमें वैल्यू रहती है। हो सकता है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा आउटपुट करे हो सकता है ये उतना नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर डाउन साइड क्योंकि प्रोटेक्टेड है तो अपने वहां को सेफ रह सकते हैं। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करो।